जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, सरकारी अत्याचार किया जा रहा है, गरीबों के, दलितों के, किसानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब ये बुलडोजर राज जो यूपी में जबरदस्ती कायम किया गया है, जांच एजेंसी जो होती है ना ईडी सीबीआई, इन्होंने अपना मुर्गा बना रखा है। सीबीआई जो है वो नरेंद्र मोदी जी की मुर्गी है और ईडी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की मुर्गी है, दोनों नरेंद्र मोदी जी की मुर्गियां हैं और यूपी के अंदर बुलडोजर का राज चल रहा है। ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं है, दलितों का दमन करने के लिए यूपी के लोगों को मूर्ख बनाया है, इसको बजाना पड़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा को बचाने के लिए हमारी महिलाओं ने डंडे खाए, कपड़े फाड़े गए, उनको घसीट घसीट के पीटा गया कि योगी जी एक दिन वो वक्त आएगा बुलडोजर मेरा होगा और घर आपका होगा। हमारे साथ सत्यपाल थवर जी हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार किन मांगों को लेकर के आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा है, क्या मांगे हैं और सरकार क्यों नहीं सुन रही। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, सरकारी अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस में फरियादी फरियाद लेके पहुँचता है तो फरियाद सुनने और लिखने के बजाय उसको प्रताड़ित किया जाता है, जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किसानों पर, भूमिहीन किसानों पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यदि किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो FIR दर्ज नहीं की जाती है, मामला उठ जाता है तो सरकार जो है वो एक्शन में आती है और ज़बरदस्ती जो है वो गरीब लोगों को मारा जा रहा है, गरीबों के, दलितों के, किसानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब ये बुलडोजर राज जो यूपी में ज़बरदस्ती कायम किया गया है, इस बुलडोजर राज को चुनौती देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और क्या जो लगातार आपने यहाँ पर लिखा है जो है योगी हटाओ यूपी बचाओ, क्या वाकई जो इस बार जो है वोट के माध्यम से, खास करके यूपी की अगर हम बात करें, वहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष उभर करके आया है, दलित और उन तमाम दबे कुचले तबकों को एक आवाज़ मिली है, क्या उम्मीदें हैं, क्या विपक्ष अब और ज़्यादा या फिर आप जैसे लोग जो लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या फिर से एक बार चुनाव में और बड़ी ताकत बन करके। देखो जो ये लिखा है ना ऊपर लिखा है जो योगी हटाओ यूपी बचाओ, ये नारा दिया है माननीय निशा तंवर एडवोकेट जी ने। मेरा तो सीधा हिसाब है योगी बजाओ यूपी बचाओ, योगी को बजाना पड़ेगा। ये उत्तराखंड से आया है, मैं आपको बताऊं, ये आया है उत्तराखंड से और यूपी में आकर के यूपी के लोगों को मूर्ख बनाया है इसने, इसको बजाना पड़ेगा। 2027 में जो चुनाव होंगे, इस चुनाव में योगी सरकार का सफाया होना तय है। अयोध्या की जनता ने तो भगा ही दिया, सिर्फ अयोध्या नहीं पूरा यूपी से इसको साफ करेंगे हम। और क्या मांगे, किन बातों को लेकर के आपको जेल में डाला गया है सचिन राज को बिजनौर की जेल में और शिवचरण सिंह मुंशी जी को, उनको तत्काल रिहा करो, दो दिन के भीतर रिहा करो, वरना पूरे उत्तर प्रदेश की भीम सेना लखनऊ के ऊपर चढ़ाई कर देगी। क्या 2014 के बाद से डर का जो एक माहौल बना था, खास करके भाजपा की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में केंद्र में आई उसके बाद से लगातार दलितों पर, मुस्लिमों पर, तमाम दबे कुचले तबकों को सताया गया, उन पर जुल्म किया गया और लगातार जो आपने जिक्र किया बुलडोज़र चलाए गए छोटी सी कार्रवाई के नाम पर बुलडोज़र, क्या वोट बैंक को खुश करने की कोशिश। नहीं, ये वोट बैंक खुश नहीं हो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, वहाँ पर यूपी में लोग तड़प रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार आई सेंटर में, इन्होंने ऐसा किया सेंटर में, तो इन्होंने जाँच एजेंसी जो होती है ना ईडी सीबीआई, इन्होंने अपना मुर्गा बना रखा है। सीबीआई जो है वो नरेंद्र मोदी जी की मुर्गी है और ईडी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की मुर्गी है, दोनों नरेंद्र मोदी जी की मुर्गियां हैं और यूपी के अंदर बुलडोजर का राज चल रहा है। ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं है, दलितों का दमन करने के लिए, ये तो झोला उठा के भाग जाएंगे, एक मठ में मंदिर में चला जाएगा, ये नहीं रहने वाले। जो जो आवाज़ उठा रहे हैं सबके घर ईडी पहुंच रही है, आपके सबके घर पहुंच रहे हैं। भाई मेरे पीछे 5 राज्यों की पुलिस लगी है यार, मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लोग सिर्फ जो है देख रहे हैं कि हाँ भाई गलत हो रहा है, लेकिन सतपाल तंवर के मरने के बाद तो शायद सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है अपनी बातों को जो है, और यहाँ पर जो इनके साथ समर्थन में लोग आए इनसे भी जानते हैं, जो आप लोग मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं, क्या जो है ख़ास करके जो प्रदर्शन आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है, चूँकि अब जो समाज है दलित समाज हो मुस्लिम समाज वो जाग रहा है। हाँ, जाग रहा है, हम लोग जी जान से लगे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, हम लोग जी जान से लगे हैं।
और अपना संविधान को बचाएंगे और योगी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। सत्यपाल तंवर जी के साथ खड़े रहेंगे? हाँ, खड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आइए और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार इस समय जो स्थिति है और इसको लेकर के मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या मांगे हैं और सरकार के खिलाफ आपका रोष इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, सरकार के खिलाफ हम इसलिए यहाँ जंतर मंतर बोलते क्योंकि जंतर मंतर एक हमारा सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से देश के कोने में हर जगह आवाज़ उठेगी हमारी। हम लोगों के साथ गलत हुआ है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। एक बाबा साहब की प्रतिमा बचाने के लिए, बाबा साहब की प्रतिमा को बचाने के लिए हमारी महिलाओं ने डंडे खाए हैं, कपड़े फाड़े गए, उनको घसीट घसीट के पीटा गया। और खासकर जो मेरे फादर हैं, इनकी जो शिवचरण मुंशी जी हैं जो 73 ईयर ओल्ड हैं और एक सचिन दास लड़का है, मेरे फादर एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने तीन तीन बेटे को कंधा दिया है, उनके दो दो बड़ो बहू हैं, छः छः बच्चे जिनका पालन पोषण वो करते, उनको 16 जून से जेल में मरने के लिए छोड़ दिया गया सरकार ने। हालात इतने खराब हो गए हैं, इतना डरता है कि सतपाल तंवर जी जो जो भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एंड प्रमुख हैं, वो चांदपुर शहर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फूल चढ़ाने के लिए उनको रोका गया, जिसके चलते उनके ससुर यानी कि मेरे पिताजी को उठा गए। यानी कि सरकार ने, सरकार का देखिए, एक सतपाल तंवर को गिराने के लिए वो हमारे परिवार तक पहुंच गए, यानी कि मेरे मायके में पहुंच गए और मेरे परिवार को उठा के जेल में बंद मरने के लिए छोड़ दिया। क्या जो संविधान की शपथ ले रहे हैं अब उनसे ही संविधान को बचाने की नौबत आ गई? देखिए, वो शपथ संविधान की लेते हैं, लेकिन वो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन होता कुछ और है, मन में उनको कुछ और है। केवल दलितों को बांटने के लिए, केवल दलितों का वोट बैंक लेने के लिए, केवल अपने लोगों को हिंदू मुस्लिम करने के लिए, जातियों में बांटने के लिए संविधान का यूज किया जाता है। सही मायने में संविधान पे काम। बुलडोजर वाली कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश में है, खास करके बाबा का बुलडोजर जो चलता है, इसको कैसे देखते हैं और जो आप कह सकते हैं चिन्हित करके लोगों के घरों पर चढ़ा? सर, अगर बुलडोजर की बात करें, दलित समाज के घर पे बुलडोजर चलवा के, पीड़ित परिवार के चला के, मुसलमानों के चलवा के, बताते हैं किसानों के चला के, हर जगह यानी कि गरीब लोगों के जो तबके के लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला जाता है। लेकिन मैं दिल्ली जंतर मंतर से निशा तंवर ललकार करती है कि योगी जी, एक दिन वो वक्त आएगा, बुलडोजर मेरा होगा और घर आपका होगा, ये दिन याद रखना हमारा। क्या आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं, आप लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, पुलिसिया कार्रवाई? देखो, एफआईआर सर मुकदमा दर्ज किया गया, 96 लोगों पर, बेकसूर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि बेचारे अभी तक दो बंदे जेल में भी हैं, जिनमें एक मेरे फादर है और एक हमारे गाँव समाज का लड़का है जिसका परिवार भी नहीं है, जिसका परिवार भी नहीं है, वो भी जेल में है। और 96 एक लोगों के ऊपर है, दूसरा 60 लोगों पे एक मुकदमा देता है। हम सरकार से करते हैं कि इनके 96 जो मुकदमे हैं, हमारे लोगों के मुकदमे वापस किए जाए और हमारे बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे भगवान की प्रतिमा जहाँ से उन्होंने उठाई है वहीं पर लगाई जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि प्रतिमा की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है और इस वक्त जो वो तमाम बड़े नेता जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, आज उन्हीं से संविधान को बचाने की नौबत आ गई। महिलाओं का एक बड़ा जो है मजमा है यहाँ पर, महिलाएं भी अपनी जो है बातों को लेकर के और यहाँ पर खास करके जो इनके समर्थन में ये पहुँची है और ये लगातार अपनी बातों को यही रख रही हैं और ये मांग कर रही। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, ये जो पोस्टर आपके हाथों में है, किस मांग को लेकर के आप यहाँ पर पहुँची हैं? हम किस लिए हैं? हम इसलिए हैं जो हमारे क्या कहते हैं दो आदमी ये जेल में बंद कर रखे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं और जो है ये अपनी योगी हटाओ यूपी बचाओ ये तरीके के जी। हम जिला बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले हैं, ये हमारे बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है 13 साल की। अब उन्होंने हमारे क्या कहते हैं, कहाँ से हटाई गई वो बताइए जरा। ये चांदपुर से हटाई गई है, खस्सो सराय रफी है, ऐसे मतलब प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पे क्या कहा? हत्तापाई करी हमारे साथ प्रशासन ने भी, तीन चार हजार पुलिस क्या एक मोहल्ला क्या कर सकता, 3-4 हजार पुलिस ने आकर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी हमारी आँख जी, हमारी तीन क्या कहते बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया और क्या कहते औरतों पर आदमियों पर थाने में नाम लिखवा दिया है।
अच्छा, आप लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई, क्या मुकदमा भी दर्ज? हमारा नाम का मुकदमा कर दिया, हमने कुछ भी नहीं करा, पुलिस ने भी हमें मारपीट करी और जब भी हमारा नाम मुकदमा कर दिया। ये देखिए जो है इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और संविधान बचाने की लड़ाई, बाबा साहब की प्रतिमा को जब तोड़ा गया उसको बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।